मामी, तुम अपने आप को समझते क्या? मेरी बेइज्जती करके तुम्हारा जी नहीं भरा, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? क्यों बताया अक्षय को कि हमने साथ में डिनर किया था? झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। क्या फिर अक्षय को कैसे पता चला? कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने अपना मुंह खोला और अक्षय को बताया कि हमने साथ में रातें गुजारी हैं, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अक्षय, तुमने जो कुछ भी सुना, बस करो तनिषा। तुम्हें तो मार भी नहीं सकता मैं, क्योंकि तुम्हें जितना चाहे मारूं दर्द तो मुझे ही होने वाला। क्यों किया तुमने तनिषा ऐसा? सब कुछ तो दिया हमने तुम्हें, सब कुछ। तुम जो चाहे वो करो, जैसे चाहे वैसे जियो, बस तुम खुश रहो। फिर क्या जरूरत है ऐसा करने की? क्या जरूरत है ऐसा करने की? सबसे पहले तुमने मेरे परिवार के साथ धोखा किया, फिर अपने बेटे कृष के साथ, साथ मेरे साथ। अरे क्या बिगड़ा था हमने तुम्हारा, क्या बिगड़ा था? दुनिया की हर खुशी, वो हर सुख मिला तुम्हें, यहाँ प्यार मिला, इज्जत मिली तुम्हें। अरे क्या खुशी की मेरे माँ बाप पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी लाडली बहू किसी गैर मर्द के साथ। मुझे तो बोलते हुए शर्म आती है तुम्हें, लेकिन मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूं? तुम तो शादी का मतलब भी नहीं जानती। जानती हो शादी क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है, वफादारी क्या होती है? तुम समझती भी हो? अक्षय, तुम्हें सच 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 जानना चाहती हो तनिषा? सच मैं बताता हूँ, सच ये है कि तुम्हारे लिए शादी एक ब्लैंक चेक है और कृष एक प्रॉपर्टी डील। मैं क्या हूं? मैं सिर्फ एक स्टेटस सिंबल। मेरा तो सिर्फ नाम जुटा तुम्हारे नाम क्या क्या, और कुछ नहीं हूं मैं। और जिस दिन तुम्हें मुझसे बड़ा नाम मिल जाएगा, तुम अपना नाम उसके साथ जोड़ दो। जाओ जाओ समीर मल्होत्रा के पास, तुम जाओ यहां से आज इसी वक्त। मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता हूं, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। अक्षय, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मत लगाओ मुझे, डोंट टच मी। घृणा आती है मुझे तुम्हारे छूने से।